फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको जल्दी से हिट कर दें और कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ एक छोटा एंड एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देती हूँ। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा ब्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। एंड येस, मेरे पास ऐसे 4 कॉन्टेंट क्रिएटर्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो आप लोगों की डिमांड पर मैंने रखे हुए हैं। बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना ताकि मैं उनके बारे में रिसर्च कर लूँ। बहुत जल्दी आप सबके सामने उनके लिए एक रिएक्शन वीडियो आएगा, तो इस रिएक्शन वीडियो को एंजॉय ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि कीर्ति की शादी की धूमधाम से, जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन तैयारियाँ चलने के बावजूद, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के बावजूद, फैमिली का आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पॉजिटिव व्लॉग्स आने के बावजूद भी अभी कुछ लोगों को आज भी प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अंकल आंटी के कमेंट सेक्शन में बेटे और बहू के लिए बोलने आ जाते हैं, वहीं पे बेटे बहू के कमेंट सेक्शन में माता पिता के लिए बोलने आ जाते हैं। हालांकि अपने एंड पे वो दोनों ही अपने अपने कमेंट सेक्शन पे नज़र रखते हैं और ऐसे कमेंट्स को वो खुद भी नहीं चाहते कि पब्लिकली आए ताकि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो वहाँ से तो ये कमेंट्स कहीं ना कहीं से रिमूव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से हाइड हो जाते हैं, लेकिन वो कमेंट्स करने वाले कहीं कहीं पे जाके इस तरीके के कमेंट्स छोड़ के ज़रूर आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले अंकल और आंटी ने इस चीज़ पर रिएक्ट भी किया था, जहाँ पे कुछ लोग उन्हें ये बोलना चाह रहे थे कि आप तो कीर्ति का यूज़ अपने व्लॉग के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बोलने वाले लोग शायद ये भूल गए कि कीर्ति कोई बाहर की नहीं है, उन्हीं का फैमिली का एक हिस्सा है, उन्हीं का फैमिली का एक पार्ट है। और व्लॉगिंग एक फैमिली व्लॉगिंग होती है जिसमें फैमिली के हर एक सदस्य इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अपनी बेटी का इस्तेमाल माता पिता क्या ही करेंगे, या बच्चे अपने माता पिता का इस्तेमाल क्या ही करेंगे। जब सामने से देख के सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली हो रहा है और बच्चे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें स्मूथली रहें, पेरेंट्स भी वहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी कल परसों के व्लॉग में देखा ही होगा कि भगवान जी के आगे जब आशीर्वाद ले रहे थे तो सब एक दूसरे के लिए भी आशीर्वाद दे रहे थे कि इसका भी दिमाग शांत रहे, हमारा भी शांत रहे, इनका भी शांत रहे। तो वो लोग सब अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारा स्यापा ना कहीं से जो क्रिएट होता है वो कुछ कॉमेंट्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि ऐसे कॉमेंट्स कभी कभी क्या होता है, इंसान इग्नोर कर देता है, लेकिन कभी कभी ये जो कॉमेंट्स होते हैं ना, ये दिल को चुभ भी जाते हैं और उसकी वजह से फिर सामने वाला रिएक्ट करता है, गलत फहमियाँ डेवलप होती हैं और इसीलिए इस फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। लेकिन इतना सब कुछ स्मूथ होने के बावजूद, बढ़िया सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद कल की वीडियो में मैंने फिर एक कमेंट देखा था। वो मैडम जी बोल रही थी कि कीर्ति ने आखिर दिखाई दिया कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नीतू और लखन को मानती है, इसीलिए वेन्यू का फाइनल डिसीजन लेने के लिए वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके नहीं गई, वो नीतू और लखन को साथ लेके गई। तो ये चीज़, ये थॉट भी किसी के माइंड में कैसे आ सकता है? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं हो रहा है, वेन्यू सेलेक्ट करा गया है। और आज कीर्ति के व्लॉग से तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि कीर्ति के इन लॉज ने बच्चों को ही बोला। अब बच्चों ने इस चीज़ को बहुत हम्बली एक्सेप्ट भी किया कि यस, पेरेंट्स को लास्ट में 2-3 ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि पेरेंट्स के पास सिर्फ वेन्यू ही सिलेक्ट करने का काम नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे काम है, गेस्ट लिस्ट बनानी होती है, अनदर चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बच्चे मिलके अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं या उनको एक चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो पेरेंट्स का भी होगा, म्यूचुअल डिसीजन होगा, बच्चों का भी होगा, पेरेंट्स का भी होगा। और ये भी जाहिर सी बात है कि जब शादी अपनी होती है तो इंसान अपनी खुशी के लिए अपनी पसंद भी तो प्रायोरिटी रखेगा ही ना, अपनी खुद की भी पसंद इंसान की होती है। तो वहाँ पे जब इन लॉज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे क्या डिसीजन ले रहे हैं, अपने लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब कीर्ति को भी बोला जा रहा है कि फाइनल डिसीजन लेने के लिए नीतू लखन को लेके गए, पेरेंट्स को लेके नहीं गए। तो अंकल ने तो चेक अपने हाथ से ही अपने बच्चों को दिया, अब वो चेक बच्चों ने ही अंकल के हाथ से पकड़ा भी, और अंकल ने साफ साफ अपनी वीडियो में ये बताया भी था कि मैं ड्यू टू सम रीज़न आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, इसीलिए मैं वेन्यू में नहीं जा पा रहा।
तो यहाँ पे जब अंकल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनके बिहाफ में डील को फाइनल करने के लिए नीतू और लखन गए। उससे पहले उस वेन्यू की और उस रिजॉर्ट को देखने के लिए अंकल आंटी ऑलरेडी गए थे और रिजॉर्ट कोई आसपास नहीं है कि आधे घंटे में होके आ गए, एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। और उस अच्छे खासे डिस्टेंस में आंटी के नी में पेन हो रहा है, अंकल बिजी हैं और उस पर अगर वो लोग डिसाइड करके आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो कीर्ति लास्ट में तो नीतू और लखन को ही ले गई, क्योंकि डिसीजन तो ऑलरेडी सब बना चुके थे ना। वेन्यू सब ने देख लिया था, फैमिली के हर एक बंदे ने वेन्यू देख लिया था। अब वो वेन्यू जो R&D किया था वो किया था कीर्ति और सारांश ने, ये हमें आज के व्लॉग में देखने को मिला। कीर्ति और सारांश ने ही वेन्यू को डिसाइड करा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट उन्होंने किया, उस शॉर्ट लिस्ट वेन्यू में उन्होंने पेरेंट्स को वेन्यू दिखाया, पेरेंट्स वेन्यू देख के आए। वेन्यू देखने के बाद जो डील फाइनल हुई होगी आज आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसका चेक और उसको क्लोज करने के लिए उस डील को वहाँ से लखन और कीर्ति गए, वहाँ से नीतू ने उन्हें ज्वाइन किया। एक क्वेश्चन बार बार और आ रहा है कि नीतू विला नहीं आना चाहती इसीलिए वो वहाँ से बैठ गई, वो विला नहीं आई। तो सबको अगर पता है कि वो थोड़ा सा अपना टाइम ले रही है तो आप लोग उसको टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैंने जैसे कि बोला कि अगर बहुत जल्दी से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी ना, तो शायद आप में से ही कुछ लोग इस बात पे भी क्वेश्चन खड़ा कर देंगे कि इतनी जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल कैसे हो गई। तो अगर वो अपना टाइम ले रही है तो उसको टाइम लेने दीजिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ना टाइम के साथ ही अच्छी होती हैं। जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इनफैक्ट चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो फिलहाल वहाँ से माता पिता की व्लॉगिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है, यहाँ से बच्चों की व्लॉगिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है। कीर्ति का ना तो लखन और नीतू ने कभी अपने व्लॉग में इस्तेमाल किया था, ना ही यहाँ पे अंकल आंटी उनका व्लॉग में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उन घर की बेटी है और अगर वो अपने माता पिता के साथ व्लॉग में आ भी रही है, कंट्रीब्यूट कर भी रही है, तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और अगर वो अपने भैया भाभी के या लखन और नीतू के व्लॉग में भी आ रही है तो भी उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये फैमिली का आपसी डिसीजन हो सकता है, कोई बाहर वाला आके इस चीज़ पर नहीं बोल सकता कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हीं की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें कीर्ति के ही व्लॉग के लिए रखी गई हैं। किसी ने भी कीर्ति के कंटेंट के साथ छेड़खानी नहीं करी है, सबने ये बोला था वेन्यू डिसाइड हो गया, बट एक्चुअल में वो वेन्यू दिखाया किसने? एक्चुअल में वो वेन्यू हमें कीर्ति ने ही दिखाया। और वहां से एक चीज़ें क्लियर हो गई कि जो डिसीजन है वेन्यू सेलेक्ट करने का उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन पेरेंट्स ने ही बोला कि हमारा थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, आप लोग खुद 2-3 वेन्यू हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम एक वेन्यू फाइनल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना तो नीतू और लखन की कोई गलती है, ना ही अंकल आंटी की कोई गलती है, सारे परिवार का एक म्यूचुअल डिसीजन है। और वेन्यू ही सिर्फ नहीं होता शादी में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि घर की इकलौती बेटी और सारे भाइयों की इकलौती बहन नीतू लखन की लाडली, वहाँ से अंकल की लाडली, तो वो लोग बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं कीर्ति दीदी के लिए, बेस्ट से बेस्ट। तो बेस्ट से बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक वेन्यू बेस्ट कर दिया, उसके अंदर और भी बहुत सारी बेस्ट चीज़ें होती हैं। जिस बेस्ट चीज़ों में हो सकता है कहीं पे अंकल आंटी जाएं, कहीं पे नीतू लखन जाएं, कहीं पे कीर्ति सारांश जाएं, कहीं पे उनके इन-लॉज जाएं, सब मिलके अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे, तब जाके शादी ब्याह जैसा कार्य संपन्न या पूरा होता है। इसमें किसी एक बंदे की मेहनत नहीं होती, पूरे की पूरा टीम वर्क होता है, पूरी फैमिली की मेहनत होती है। तो इसीलिए किसी की मेहनत ज़्यादा, किसी की मेहनत कम, ये वहाँ नहीं गए, वो यहाँ नहीं गए, वो सब लोग वो डिसाइड कर लेंगे। जिस समय नीतू लखन अवेलेबल नहीं थे, वो लोग चंडीगढ़ में थे, उस दौरान अंकल आंटी वेन्यू देख के आए, उन्हें वेन्यू पसंद आया, सेलेक्ट करा। अब अगर अंकल अवेलेबल नहीं है, आंटी के नी में प्रॉब्लम हो रही, तो वहाँ पे नीतू लखन फाइनल करके आए। लेकिन ये तो सबने दिखाया ना कि फाइनल करने का चेक अंकल ने ही दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला ये बेटी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई करेगा अपने हिसाब से, भाई जितना कर पाएगा अपनी बहन के लिए करेगा, लेकिन ये मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी शादी में करूँगा ही। तो उन्होंने वहाँ से अपना प्यार दिखाया है, नीतू लखन यहाँ से अपना दिखा रहे हैं, बाकी के भाई भी अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो बीच के लोग कुछ कमेंट्स करने आ जाते हैं ना, और ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे फ़ैन हैं, फैंस वही होते हैं जो अपने क्रिएटर की खुशी में खुश होते हैं, उनके कंटेंट को देख के खुश होते हैं, और अगर उन्हें दिख रहा है कि सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो एक रियल फ़ैन वही होगा जो उनके इस इनिशिएटिव में उनका साथ देगा, उनको सपोर्ट करेगा, ये नहीं कि उनको जज करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा अब इनका ये है। इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 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 मुश्किल से, बहुत टाइम के बाद
चीज़ें थोड़ी सी सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं। पर्सनली बहुत लोग इन्जॉय कर रहे हैं ये व्लॉगिंग, बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है ये फैमिली व्लॉग देखने में। और जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने भी ये वीडियो देखनी शुरू करी थी, मतलब इन लोगों का व्लॉग, तो मैंने भी लखनीत व्लॉग की सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट की थी, वो वही की थी जब एक बेडरूम में ये लोग मॉर्निंग का टाइम एक साथ फैमिली स्पेंड करते थे, आपस में बातचीत करते थे, वहाँ से वो कनेक्शन फील हुआ था। और यही बात अंकल आंटी ने भी बताया कि घर के कमरे के अंदर बैठने की परंपरा हमारी आज से नहीं है, हम लोग ये बहुत पहले से करते हैं कि हम सब वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ के कुछ मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों का यूज़ कर रहे हैं, और अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो यार उनके बच्चे हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप यूज़ कर रहे हो। बच्चे उनके हैं, वो अपने बच्चों का यूज़ करें या वो अपने बच्चों को ना यूज़ करें, वो उनका आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपसी डिसीजन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि परिवार के सारे लोग सिर्फ कीर्ति की खुशी का ख्याल रख रहे हैं, कीर्ति की खुशी का ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए सबके सब लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बस फैमिली में कहीं से दूर दूर तक भी नेगेटिविटी एंटर ना हो पाए, फैमिली में सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। इसीलिए कीर्ति को पैम्पर पूरा अंकल आंटी की तरफ से भी हो रहा है। आंटी अपने हिसाब से रोज़ कुछ ना कुछ रेसिपी बना के उसे खिलाती है, अंकल तो बहुत प्यार देते ही हैं। वहाँ से नीतू लखन भी अपने हिसाब से उनको पूरा पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से सिर्फ कीर्ति की शादी के लिए घर को एक पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश कर रहा है कि बस शादी अच्छे से हो जाए, तब तक कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए भगवान के आगे खड़े होके भी एक दूसरे को बोल रहे थे कि इसका भी दिमाग शांत रहे, अंकल कह रहे थे इसका भी दिमाग शांत रहे, आंटी कह रही थी इसका भी शांत रहे, क्योंकि देखा जाए तो फैमिली में सभी लोग अपने अपने लेवल पे गरम गरम दिमाग के हैं, तो बस सब एक दूसरे के दिमाग को शांत रहने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोग उन्हें इतना प्यार करते ही हो, तो थोड़ा सा उनकी इस जर्नी में सपोर्ट करो। इस समय पर नेगेटिव कमेंट्स मत करो, नेगेटिव कमेंट्स मानो या ना मानो इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, थोड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि अगर सामने वाला कोशिश कर रहा होता है ना, तब उसे ये सुनने को मिले तो उसे बुरा लगता है। एक तो होता है कि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जब कोशिश कर रहे हैं तो उनकी कोशिश को एक मौका भी देना चाहिए, एंड आई थिंक अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और यही बोलना चाहिए कि बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे ही जाते जाना। यही व्लॉगिंग की हर कोई इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, और अब जिस तरीके के व्लॉग आ रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी आपकी फैमिली से ऐसे ही प्यारे प्यारे हैपनिंग और हैप्पी व्लॉग्स आएंगे। ये आप लोगों को बोलना चाहिए एक अच्छा फ़ैन और एक सपोर्टर होने के नाते। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।